आज हम एक ट्रिप पे निकले हैं संडे को, जैसे पिछले संडे से आप लोग देखते आ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाते रह रहे हैं। ये मेरे जिगरी केशव जी और ये शिवानंद जी, दो भगवान के नाम एक साथ, शिवानंद जी और केशव जी, और ये लव गुरु बादल अभी ये डीबी सिंह ड्राइव करते हुए, और ये मेरे पिताजी। अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? गढ़ी। मैं पहली बार जा रहा हूँ गढ़ी में, क्या है कैसी चीजें हैं ये मुझे नहीं पता। बताते हैं कि वहाँ पे माता के मंदिर है और उसी तरह जैसे वैष्णो देवी माता का है ना, उसी तरह से बना हुआ है। आगे चल के आपको दिखाते हैं क्या है, और जो भी इस तरह के नए नए जगह होंगे, प्लेस होंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको हम बताते रहेंगे। मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि आप लोग करो, बस आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर हो, यही मेरा टारगेट है। अभी फिलहाल हम मानेसर से बाहर से निकलते हुए गढ़ी के लिए जा रहे हैं, ये रास्ते हैं, आगे का हाल मंदिर पहुँच के आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हरियाणा के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर गढ़ी मंदिर पे पहुंच चुके हैं। ये माता का मंदिर है, यहाँ पे एक आप बोर्ड देख पा रहे, गुफा में जाने का रास्ता, यहाँ पे एक गुफा भी है, वहाँ भी दिखाएंगे आपको। ये मंदिर का प्रमुख द्वार है, जय माँ वैष्णो दरबार ओम गुफा मंदिर, ये यहाँ पे है। ये यहाँ पे प्रसाद वगैरह की दुकानें भी हैं, जहाँ पे कि काफ़ी चीज़ें आप देख पा रहे हो। ये किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, फ्लाईओवर बन रहा है उसके नीचे ये मंदिर है। ये प्रसाद की छोटी सी दुकानें यहाँ पे हैं। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसी आस्था को सार्थक करते हुए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रविवार के दिन काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ पे आए हुए हैं। और इस मंदिर के अंदर की माता का मंदिर भी दिखाएंगे, मूर्ति भी दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम जस्ट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग भी है, उसको पार करके फिर इस रास्ते से हम आए हैं। गढ़ी का मंदिर है, अंदर जाके आपको मंदिर का सीन दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऐसा सूचना दिया गया है कि मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है, 500 रुपये जुर्माना, मोबाइल जब्त किया जाएगा, चमड़े की बेल्ट वगैरह, ये सब चीज़ें वर्जित हैं। अगर ऐसा होता तो हम उसका पालन करेंगे। फिलहाल हम प्रमुख द्वार से आपको दिखा पा रहे हैं, नीचे पूजा घर है जहाँ पर पूजा होती है, और ये मेन द्वार है यहाँ से, जहाँ से अंदर जाना होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ कि वर्जित होगा तो हम उसका पालन करेंगे, अंदर सेलफोन नहीं ले जाएंगे। तो प्रसाद लिया है। यहाँ पे कब कब भीड़ होती है आप बताएं थोड़ा सा? यहाँ पे संडे को ज़्यादा लोग आते हैं, ये माता का मंदिर है, क्या इसकी कुछ खास मान्यताएं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमें बता पाएं? हम नए हैं यहाँ पे, कि भाई जो मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं सच्चे दिल से, थोड़ा सा यहाँ पे संडे को ज़्यादा लोग आते हैं, ये माता का मंदिर है, क्या इसकी कुछ खास मान्यताएं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमें बता पाएं? हम नए हैं यहाँ पे, कि भाई जो मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, तो हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो हर चीज़ पा सकते हो। उसी श्रद्धा भक्ति के भाव के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। अभी इन भाई साहब से हमने प्रसाद लिया है, इसमें क्या है, नारियल है, माता का बिंदी है, रोरी है, और भी चीज़ें हैं, और धागा है। हालांकि यहाँ पे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अंदर शूटिंग करना या फोटोग्राफी करना मना है, अगर ऐसा होगा तो हम उसका पालन करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक दिखाएंगे चीज़ों को। फिलहाल चलते हैं आगे। तो अभी यहाँ सीढ़ियाँ से हम नीचे उतर रहे हैं, अगर कुछ भी ऐसा होता है हम पॉज कर लेंगे, फिलहाल अंदर चल के देखते हैं, ये अंदर जाने का रास्ता है, चलिए आपको दिखाते हैं। हालांकि बहुत ही मुश्किल से हम शूटिंग कर पा रहे हैं यहाँ पे, आगे जो भी वो अपडेट बताएंगे। यहाँ टोकन मिल रहा है, इस टोकन की वजह से ही आप अंदर जा पाएंगे, ऐसा नियम है यहाँ पे। इस शेर का मुंह बनाया, उसके अंदर घूमने जाना है, सब लोग जा सकते हैं यहाँ से। चलो आगे चलो, अभी मुझे तो आप लोग चलो। ये गुफा वाला रास्ता है जिससे हम नीचे आ रहे हैं, और टोकन लिए हम, हालांकि शूटिंग बैन है, फिर भी जैसे जैसे शिवानंद जी के कर रहे हैं, ये रास्ता देखिए, इसमें चलो आगे चलो, रास्ता होनी चाहिए, इस रास्ते से आप निकल जाएंगे, ऐसी मान्यता है। तो उसके साथ जय माता दी का नाम लो, चलो सारे लोग चलो।
जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता की। प्रेम से बोलो। अरे चलो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? यूट्यूब चैनल से है। हाँ यार बिल्कुल, रास्ता देखो, खूबसूरती देखिए, काफी अच्छी जगह है। हम आपसे बोलेंगे कि एक बार विजिट करने आइए यहाँ पे। एक हाथी का मंदिर, इसको पास आके लाके दिखाइए सर। बहुत ही अलग टेक्निक से बना हुआ है। होते ही ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यूनिक होती हैं, जो कि उनकी अपनी खूबसूरती होती है। इसमें कोई कढ़ाई नहीं, कोई बनाई नहीं, फिर भी एक खूबसूरत जगह, खूबसूरत शांति। ये हाथी का मत्था बना हुआ है, पास से दिखाइए इसको। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। घंटी लगा हुआ है और ये भोलेनाथ भगवान, जय जय हर हर महादेव। ये सुंदर है, काफी ही अलग तरह का खूबसूरत है, खूबसूरत जगह है। यहाँ पे पत्थरों से बनी हुई है और इतनी गर्मी में भी एक सुकून मिल रहा है, एक राहत मिल रहा है, उसे कहते हैं आस्था। उसी आस्था के बलबूते हम इतनी धूप में भी इस पर चढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग आगे चले गए हैं और सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे। हालांकि दादी माँ मना कर रही थी, बट हमने उनसे परमिशन लिया है शूटिंग के लिए, बताया कि हम चैनल से हैं, फिर उन्होंने परमिशन दिया है। ये उतार चढ़ाव भरा रास्ता है, इतनी गर्मी है, धूप है, फिर भी एक राहत है, क्योंकि माता का आशीर्वाद है। बोलते हैं जहाँ आस्था हो, भाव हो, वहाँ पे सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। वही होता हुआ, ये माता का मंदिर है और ये पहाड़ों से भरा रास्ता बंद। अब यहाँ पे बिल्कुल ही हमें बंद करना होगा मोबाइल, चलते हैं। चलो आप शिवानंद जी कह रहे हैं चलो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। फिर से यहाँ पे संगमरमर की सीढ़ियाँ बनी हुई है, जो कि काफी ठंडी है, गर्म नहीं है बिल्कुल, राहत भरी है। और इससे हम आगे चढ़ते आ गए हैं, दूसरा द्वार इससे जाना है हमें। ये देखिए, हाँ, ये देखिए कितना संकीर्ण, इतनी छोटी सी जगह से देखिए कैसे लोग निकल रहे हैं। ये श्रद्धा है, आस्था है, इसको बिल्कुल आस्था ही बोलेंगे। ऐसे देखने से आप डर जाएंगे और वो करेंगे, अंदर जाएंगे, देखिए किस तरह से जाना है, बिल्कुल झुकके, बिल्कुल झुकके। वो कहते हैं ना कि भाव हो श्रद्धा हो, वहाँ झुकके आओ, तो वो झुकके ही पार होना है, बिल्कुल झुकके यहाँ से निकल रहे हैं। चलो जय माता की। प्रेम से बोलो। ये देखिए रास्ता, आगे अब हमें बंद करना पड़ सकता है कैमरा, क्योंकि आगे पहाड़ी वाले रास्ते को पार करके, काफी नीचे था, काफी गहराई थी और काफी संकीर्ण था। उसके बाद चलते चलते पसीने आप देख पा रहे होंगे, फिर भी खुशी है। इधर आओ, इधर आओ, काफी भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी तर्जनी पर उठा रखा था, उसका यहाँ पर दृश्य चित्रण किया गया है। आगे ये देखिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, इनको हम प्रणाम करते हैं और इन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा रखा है, उस दृश्य का चित्रण यहाँ पे किया गया है। तो काफी खूबसूरत जगह, इतनी सी छोटी सी जगह में काफी अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया गया है। वो चीज़ें यहाँ पे श्रद्धालु देखिए, सारे लोग बैठे हुए हैं, काफी लोग यहाँ पे आते हैं। और ये साईं बाबा का मंदिर है, इधर साईं बाबा भी है सामने, यानी किसी भी आस्था से आप जुड़े हुए हो, यहाँ पे आने के बाद काफी सुकून, काफी शांति मिलता है और संकट करने वाले देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें, हाँ। ऐसा कहा जाता है। वो हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है, तो वो करेंगे। और ये श्री राम मंदिर के सामने घंटी लगी है, इसको अक्सर करते हुए काफी अच्छा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे आपसे, और टोकन देने के बाद हमें प्रसाद मिलेगा, देखते हैं। अभी हम आ गए हैं बाहर और ये हमें प्रसाद मिला है, इसे लाची दाना बोलते हैं और ताल मिश्री है, काफी अच्छा प्रसाद, और इसको खाएंगे। और यहाँ पे देखिए कि इस मंदिर में एक बहुत ही अच्छी चीज लगा दी गई है, रेलवे का टाइम टेबल लगा दिया गया है, जिससे यहाँ पे रेवाड़ी की तरफ जाने वाली और दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनों का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली यहाँ पे, रेलवे का टाइम टेबल लगा दिया गया है, काफी अच्छी। ये कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा है इधर, हाँ ये
ये फ्लाईओवर बन रहा है और इसके नीचे से ट्रेन का आवागमन है और ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। आइए हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और ये अंदर से जाने के बाद काफ़ी अच्छा लगा गुलमर्ग। ऐसे भी आने वाले वीडियो में हम और भी हाँ ये बिटिया के लिए ले लेना धार्मिक स्थलों के आपका दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक बार फिर। बाय बाय।